तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के वीडियो का ट्यूटोरियल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको ग्लोइंग एनिमेशन वाली वीडियो बनाना सिखाने वाला हूँ। आप सभी ने बहुत ही ज़्यादा कमेंट किए थे कि ये वाली वीडियो बनाना सिखाओ, क्योंकि कल रात को मैंने पूछा भी था आपसे कि आपको ये वाली वीडियो बनाना सीखना है क्या, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे कमेंट आए थे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, क्योंकि इसमें मैंने आपको एकदम फुल प्रोसेस बताया है कि कैसे आपको वाटरमार्क हटाना है और कैसे आपको वीडियो को एडिट करना है। तो चलो बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर हम आ गए हमारी मोबाइल की स्क्रीन पर। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर आपको एक ऐप दिख रही है, इस ऐप का नाम है स्क्रिबल। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद इसको हम ओपन करते हैं। तो ओपन करने के बाद आपको इंटरफेस ऐसा दिखेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर प्लस का आइकन पे दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर वीडियो लिखा रहा है, तो वीडियो पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद ओके पे क्लिक करना है, और यहाँ पर वापस प्लस के आइकन पे क्लिक करके यहाँ पर आपको गैलरी में से वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर एक बात है कि आप जैसे मान लो 14 सेकंड की वीडियो को एडिट करना चाहते हो, जैसे मैं ये 14 सेकंड की वीडियो है, इस पर मैं क्लिक करूँगा, प्रोसेस पे क्लिक करूँगा। प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद ये वीडियो 14 सेकंड की है ना। अब हम राइट पे ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो इंस्ट्रक्शन लिखा रहा है कि आप 10 सेकंड से ज़्यादा की वीडियो इसमें यूज़ नहीं कर सकते। पर अगर आपको 10 सेकंड से ज़्यादा की वीडियो को यूज़ करना है, तो उसके लिए आपको वॉच वीडियो लिखा रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है और आपका नेट ऑन होना चाहिए। तो आप एक ऐड चलेगा, उस ऐड को आप पूरा लास्ट तक देखना, और लास्ट तक देखने के बाद ऑटोमेटिकली ये आपकी जो 10 सेकंड की वीडियो एडिट होगी, अब उसकी जगह आप 20 सेकंड तक की वीडियो को एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला तरीका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप दो अलग अलग भाग में वीडियो को एडिट कर लो। पहले आप 10 सेकंड की कर लो, फिर उसके बाद जो पार्ट एक्स्ट्रा बच रहा है उसको आप बाद में एडिट कर लो, ठीक है। तो ये दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। अब यहाँ पर मैं वीडियो को ले लेता हूँ, तो प्लस के आइकन पे क्लिक करके वीडियो पे क्लिक करके यहाँ पर मैं वीडियो को ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये वीडियो ले ली, प्रोसेस पे क्लिक कर दिया। उसके बाद राइट पे मैं इसे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद ये फ्रेम में कन्वर्ट हो जाएगी, तो हमको यस पे क्लिक कर देना है। अब ये फ्रेम में कन्वर्ट हो रही है, तो फ्रेम में कन्वर्ट होने के बाद इसको हम एडिट कर दें। तो यहाँ पर ये फ्रेम में कन्वर्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, इस यहाँ पर आप ऐसे वीडियो पे ऐसे यहाँ पर क्लिक करना, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर ये स्क्रिबल वाले ग्लोइंग इफेक्ट आ चुका है। अब यहाँ पर आपको ये वाला ये देखो आइकन दिख रहा है, इस पर आपको ऐसे क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर आपको टूल देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर ये टूल आपको इरेज करना है, तो आप इरेज कर सकते हो, तो ऐसे आप इरेज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आपके गलती होगी तो आप इसको ऐसे बैक कर सकते हो, ठीक है, अंडू कर सकते हो। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन और दिख रहा है आपको कलर वाला, तो कलर पर आपको ऐसे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको स्टाइल वाले अलग अलग मिल जाएंगे। अगर आपको डॉट डॉट में वीडियो बनानी, तो आप डॉट डॉट में बना सकते हो, या फिर आप ऐसे लाइनिंग में बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप साइज़ एडजस्ट कर सकते हो कि आपको कितनी साइज़ चाहिए। अगर आपको फुल जितनी साइज़ चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सेट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आप 10 या 12 पे एडिट करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये दो ऑप्शन और मिल जाते हैं, ये भी आप चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं यहाँ पर वीडियो को एडिट। तो यहाँ पर ये देखो नीचे बहुत सारी फ्रेम आपको दिख रही है। अब इन सभी फ्रेम को आपको एक एक कर करके एडिट करना है। अब एडिट कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हम कलर पे ऐसे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हम कोई सा भी कलर ले लेंगे, जैसे रेड कलर, तो हमने रेड कलर ले लिया। अगर आपको और कलर चाहिए तो आप यहाँ से बहुत सारे कलर आपको मिल जाएंगे, तो वो भी आप यहाँ पर ले सकते हो। और यहाँ पर आप ट्रांसपेरेंसी भी यूज कर सकते हो, हल्का, अगर आपको एकदम हल्का चाहिए, ज़्यादा डार्क चाहिए, या फिर एकदम ज़्यादा ही जैसा भी चाहिए वैसा सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम इस वीडियो को एडिट करते हैं, तो हम फर्स्ट फ्रेम पे ऐसे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखो मैं ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ये वाली लाइन ड्रॉ करता हूँ यूँ करके, ठीक है। यूँ करने के बाद इसको मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ी सी ऐसे एक लाइन और बना देता हूँ, जैसे दिल बना देता हूँ। थोड़ी गलती हो गया, गलती हो जाएगा तो आपको ऐसे इस पर क्लिक करना है, तो ये मिट जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको सेकंड फ्रेम पे क्लिक करना है, फिर वापस आपको इस बार वापस आपको ऐसे डिज़ाइन बना देनी है, ठीक है। वापस हम थर्ड पे जाते हैं, फिर वापस ऐसी डिज़ाइन बना देते हैं, ठीक है। फोर्थ पे जाते हैं, ऐसे आपको अलग अलग फ्रेम पे ऐसे क्लिक करते रहना है, और यहाँ पर आपको अपनी ऐसे डिज़ाइन बना देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये वाली 5 या 6 तक बना दी। उसके बाद आपको करना क्या है, देखो अब गलती होगी तो इसको हम अंडू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे मैंने डिज़ाइन बना दी। उसके बाद आपको यहाँ पर अगर आप
और कलर लेना चाहते हो तो अलग कलर भी ले सकते हो, जैसे मैंने येलो कलर ले लिया। उसके बाद येलो कलर पे जाने के बाद यहाँ पर मैं ऐसे इसको ऐसे डिज़ाइन बना देता हूँ, ठीक है। फिर वापस मैं ऐसी डिज़ाइन बना देता हूँ। आप एकदम आराम से कीजिएगा ताकि आपकी वीडियो बिगड़े नहीं। जहाँ पर मैं आपको ओनली प्रोसेस बता रहा हूँ कि आपको वीडियो कैसे बनानी है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखो ये वाली डिज़ाइन मैंने बना दी। उसके बाद यहाँ पर अगर आपको डॉट डॉट चाहिए तो डॉट डॉट भी आप कर सकते हो। उसके लिए आपको करना क्या होगा, इस आइकन पे क्लिक करो, रेगुलर पे क्लिक करके डॉट डॉट पे क्लिक कर दो तो आपकी जो वीडियो आप डॉट डॉट में भी आप बना सकते हो। जैसे आप देखो यहाँ पर ये देख सकते हो आप, यहाँ पर ये डॉट डॉट। अगर इसकी साइज़ आपको बड़ी करनी है तो आप जैसे साइज पे जाना, इसको 20 पे मैं कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आप देखना हमारी जो साइज़ है वो बढ़ जाएगी अब, ठीक है, देख सकते हो आप। ठीक है, तो इस तरीके से आप एडिट कर लेना। फिर आपको और कलर चाहिए तो आप दूसरे भी कलर ले सकते हो। यहाँ पर आप और भी डिज़ाइन बना सकते हो, जैसे ये करके ये कर दिया मैंने, फिर वापस करके, तो ऐसे आप कर लेना, ठीक है। तो चलो मैं जल्दी जल्दी आप वीडियो को एडिट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद वाला प्रोसेस, फिर लास्ट में मैं आपको वीडियो बताता हूँ कि हमारी वीडियो कैसी बनी है। वीडियो को अगर जूम करना चाहते हो तो यहाँ पर आप जूम भी कर सकते हो अपनी वीडियो को, तो ऐसे आप क्लिक करना तो ऐसे आप जूम कर सकते हो वीडियो को, ठीक है। उसके बाद आप एडिट कर सकते हो और अच्छी तरह अपनी वीडियो, जैसी भी आपको एडिट करनी है वैसे आप एडिट कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पर अपने वीडियो को पूरा का पूरा एडिट कर दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर मैं एक बार प्ले करके बता देता हूँ कि हमारी वीडियो कैसी बनी है। तो यहाँ पर आपको ऐसे फर्स्ट फ्रेम पे चल जाना है, प्ले पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी वीडियो किस टाइप से बनी है। आप देख सकते हो हमारी जो वीडियो है वो एकदम परफेक्ट बनी है और इसके अंदर स्क्रिबल इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरीके से आप जो अपनी वीडियो को बना सकते हो, बहुत ही सिंपल है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब यहाँ पर आपको ऊपर इस आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सेम ओरिजिनल पर क्लिक करके, मतलब क्वालिटी सेम ओरिजिनल। उसके बाद आपको शो वाटरमार्क, अगर आपको वाटरमार्क नहीं शो करना है तो यहाँ पर आपको वॉच वीडियो पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आप वॉच वीडियो पर क्लिक करोगे तो उसके बाद आप ऐड देख लेना, ऐड देखने के बाद इस पूरा ऐड चलने देना, उसके बाद इसको आप एक्सपोर्ट कर लेना। अब इससे क्या होगा, आपकी वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगी और आपके वाटरमार्क भी बिल्कुल भी नहीं आएगा क्योंकि आपने ऐड देख लिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।